दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। जो आम जन को जो परेशानी हो रही है, उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल अजमेर के द्वारा पिछले 7 से 8 दिनों से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 46 गोगरा घाटी, वार्ड नंबर 47 शमशान रोड, वार्ड नंबर 49 PWD क्वार्टर के अंदर लोगों को, जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। और आगे भी ये कार्यक्रम कल वार्ड नंबर 50, वार्ड नंबर 54 में किया जाना है। इसमें आज भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग करा, अपने अपने क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा है। और इसके अंदर हमारे मंडल के उपाध्यक्ष राजीव जी भारद्वाज, पंकज सोनी, रमेश जी टेलर, अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा इसके अंदर सहयोग किया गया है। और हमारे जो मीडिया पर कोस्ट के अनुज जी है, उनका भी पूर्ण पूर्ण सहयोग रहा है इसमें। महेंद्र यादव, बजरंग मंडल, अजमेर। लगातार पिछले 7 दिनों से भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल के द्वारा जरूरतमंद जो लोग हैं उनको खाद्य सामग्री, भोजन सामग्री वितरण किया जा रहा है। उसी को तहत आज हमने सुबह से लेकर दिन तक जितने भी जरूरतमंद लोग थे उनको 3 से 4 वार्डों में खाद्य सामग्री का वितरण किया है। साथ ही साथ जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, तो जो भी आपातकालीन बजरंग मंडल के द्वारा नंबर दिए गए उनका भी उनको बताया गया कि यदि इसके अलावा भी कोई स्वास्थ्य संबंधी या किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो इस आपात नंबर पर आप डायल कीजिए। बजरंग मंडल का जो 5 आपातकाल के जो नंबर है वह सदैव तत्पर रहेंगे। राजीव भारद्वाज बगरू, मंडल उपाध्यक्ष। एक आटा, सिर्फ आटा अटे नहीं, मुंडा करके ले अटे ना, ऐसा आंशान दे और सीधो दे आटा ना।